नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि स्पेशल व्रत के लिए साबूदाना की खीर बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा क्रीमी सी, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाने को मैंने अच्छे से धो के पानी में 15 मिनट के लिए रखा था और उसके बाद पानी निकाल के 2 घंटे के लिए ऐसे इसे भीगने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी लिया है, शक्कर आधा कटोरी, आप चाहे तो शक्कर स्वादानुसार डाल सकते हैं, इलायची पाउडर, और ये ड्राई फ्रूट्स है, इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता छोटा छोटा बारीक कट करके लिया है। खीर बनाने के लिए यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दूध गरम करने के लिए रख दिया है, इसे मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। दूध बॉईल होना शुरू हो गया है, अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, गैस की फ्लेम को लो कर देना है और 1 मिनट तक हम दूध को इसी तरह से बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम लो करके हम इसमें ये जो हमारा साबूदाना है ये डालेंगे, और हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और इसे चलाते रहना है। इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो साबूदाना डालने से दूध के फटने के चांसेस होते हैं। अब हम गैस को लो मीडियम पे करेंगे और इसे लगातार चलाते रहना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए, ये जो साबूदाना है ये अभी भी वाइट लग रहा है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे बॉईल करना है, और साथ ही साथ जो दूध है वो भी गाढ़ा होता रहेगा। ये देखिए, ये जो साबूदाना है काफी हद तक सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें इलायची का पाउडर है वो डाल देंगे। उसके बाद मैं ये जो खीर है इसको दूसरे गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ, और इस पे हम तड़का पैन रखेंगे या फिर आप कोई कढ़ाई भी रख सकते हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है। अब हम इसमें ये 2 चम्मच घी डालेंगे, गैस का फ्लेम लो कर दे। इसके बाद हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स है काजू, बादाम और पिस्ता ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है। बस हम इसे अब हमारी खीर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारी खीर तैयार हो गई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को भी मैंने अब बंद कर दिया है। तो ये देखिए, अब हम इसे इसमें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, हमारी व्रत वाली साबूदाना की खीर तैयार हो गई है। अब हम इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे और इसमें काजू और बादाम भी डालेंगे। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।